राजस्थान रोडवेज के हजारों कार्मिकों का सातवें वेतनमान का महीनों पुराना इंतजार नए साल में खत्म हो सकता है। रोडवेज की बोर्ड बैठक में कार्मिकों को सातवें वेतनमान देने पर सहमति बन गई है। रोडवेज की बोर्ड बैठक में और भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं, ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में सातवें वेतनमान का लाभ 5 साल पहले ही प्रदेश के अलग अलग विभागों में कार्यरत कर्मचारियों अधिकारियों को मिल चुका है, लेकिन राजस्थान रोडवेज के हजारों कार्मिक अभी भी सातवें वेतनमान का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब नए साल में रोडवेज कर्मचारियों की ये मांग पूरी हो सकती है। दरअसल रोडवेज मुख्यालय में हुई बोर्ड बैठक में 1 जनवरी 2022 से कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने पर सहमति बन गई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेच ये है कि सातवां वेतनमान लागू करने के बाद रोडवेज 150 करोड़ का अतिरिक्त भार कैसे वहन करेगा। इसका बैठक में ये फैसला हुआ कि हर साल 150 करोड़ के भार को लेकर सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिसके बाद अगर सरकार सहमति देती है तो कर्मचारियों को सातवें वेतनमान की सैलरी का भुगतान हो जाएगा। बीते दिनों जिस तरह से सरकार ने रोडवेज के रिटायर्ड कार्मिकों के सेवानिवृत्ति परिलाभ भुगतान के लिए पहल करके भुगतान कराया है, उससे उम्मीद है कि सरकार ये अतिरिक्त भार भी वहन कर सकती है। वहीं इसके अलावा पूर्व सीएमडी की अध्यक्षता में हुई बैठक में रिक्त 386 पदों पर सीधी भर्ती करने का भी फैसला किया गया है, जिससे न सिर्फ रोडवेज का कामकाज सही तरीके से हो सकेगा बल्कि बेरोजगारों को भी रोजगार का नया मौका मिलेगा। बैठक में कर्मचारियों के हित में और भी कई अच्छे फैसले लिए गए, जिनमें 398 पदों के लिए सीधी भर्ती करने का फैसला हुआ। कार्यशालाओं के तकनीकी कर्मचारियों की रात्रि भत्तों में बढ़ोतरी हुई, इसमें 5 रुपए की जगह 30 रुपए मिलेंगे। कर्मचारियों के साबुन भत्तों को बढ़ाने का फैसला हुआ, पहले साबुन भत्ते के 4 रुपए मिलते थे, अब 30 रुपए मिलेंगे। रोडवेज के खाली जमीनों पर शुरू होंगे पेट्रोल पंप, डीजल पंप, सीएनजी पंप और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन। अब 16 साल की आयु में भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन हो सकेंगे। किसी भी तरह की फर्म को ब्लैक लिस्टेड करने के लिए सीएमडी को अधिकृत किया गया। आर्टिजन ग्रेड द्वितीय से प्रथम में पदोन्नति के लिए आईटीआई के लिए 3 साल और नॉन आईटीआई के लिए अब 9 साल का अनुभव होगा। संशोधित बजट 2021-22 और अनुमानित बजट 2022-23 पर बनी सहमति। राजस्थान रोडवेज की बोर्ड बैठक कर्मचारियों के लिए कई सौगात लेकर आई, जिसके चलते कर्मचारियों में अब खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। शिवेंद्र सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।